तो सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, जैसा कि आपको चाहिए होती है बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी बनी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसे आप पराठों के साथ में, रोटी के साथ में, या बॉयल्ड राइस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना, आपने देखा कि हमने इसको कितने आसान तरीके से बना लिया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम कीमा ले लिया है, और कीमे को अच्छे से हमने वॉश कर लिया, और इसको स्ट्रेनर में डाल करके अच्छे से हमने इसको सुखा लिया है, मतलब इसका पानी निचोड़ लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर 1/2 कप दही ले लिया है, दही को बीट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें ली हैं, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के ही टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने रोस्ट करके बेसन ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें चने का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर चने का आटा यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने रोस्ट करके यहाँ पर बेसन ले लिया है, 2 टेबल स्पून ऊपर तक भर कर लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्तों को तैयार करेंगे, तो कोफ्तों के अंदर जो मसाले डालती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर जिंजर और गार्लिक पेस्ट, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर अनियन पेस्ट ऐड करेंगे। ऊपर तक भर कर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं तकरीबन ये 1/2 अनियन से ज़्यादा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे रोस्टेड बेसन, इसी में हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें बारीक कट करके ली हैं, और इसमें 1/2 हम हरा धनिया ऐड कर लेंगे। 1/2 को हम इसके अंदर जब सालन पक जाएगा तब ऐड करेंगे। तो 1/2 हमने हरा धनिया ऐड कर लिया है, ये भी हमने बारीक कट करके रखा हुआ था। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर प्योर घी ऐड कर लेंगे, इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, तो हाथों पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरह से, और इसके पोर्शन तोड़ लेंगे। हमें जितना बड़ा कोफ्ता चाहिए उतना बड़ा हम पोर्शन तोड़ेंगे, और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल इस तरह से गोल कर लेंगे। ये बिल्कुल गोल होना चाहिए, इसके अंदर क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अलग तरीके से बना रही हूँ तो इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से गोल बनाएं आप इसको, थोड़ा सा पानी लगा करके आप इसको इस तरीके से बना कर तैयार करें। देखिए आप, तो कोफ्तों को बना करके हमने तैयार कर लिया है। हमने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये बड़े हैं। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड रख लेंगे, तब तक हम इसके दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने गरम मसाला ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, 5 हमने यहाँ पर छोटी इलायची ली है, और यहाँ पर 6 से 7 लौंग ले ली है। यहाँ हमने जावित्री का एक छोटा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर हमने जायफल ले ली है, 30 हमने यहाँ पर लिए हैं सिनेमन स्टिक के। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे अलग से। 5 से 6 बेलीफ ले लेंगे तड़के के लिए। और मसालों में हमने यहाँ 1 टीस्पून जीरा ले लिया है भुना और कुटा हुआ है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ रेड चिली पाउडर लिया है। इसके अलावा हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून ब्राउन करके अनियन ले ली है, और इसको हमने क्रश भी कर लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले बेलीफ डालेंगे, और बाकी के जो गर्म मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं वो ऐड कर देंगे, और जिनको हमें थोड़ा सा दरदरा सा कूटना है इनको मैंने अलग कर लिया है, तो इनको हम कूट कर अलग से तैयार करेंगे। मसालों को थोड़ा सा क्रैकर हो जाने देंगे। अब इसी के साथ साथ हम इसके अंदर अनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्याज को पकते हुए हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ 1 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और 1 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे ताकि इसका जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करके फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और 30 सेकंड के लिए मसालों को ऐसे ही भून लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। मसाले को अच्छी तरीके से भूनकर हम तैयार करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, कि मसाले हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने चाहिए, अच्छे से खुशबू आने लगे मसाले में, इतना हमें भूनकर तैयार करना है। इसमें हम बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे।
तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। इधर हमने जो मसाले आपको मेंशन किए थे कि जिनको हमने ग्राइंड करना था, बारीक बारीक कूटना था, वो हमने कूट लिया है, सिनेमन स्टिक, और साथ ही हमने यहाँ पर जावित्री जायफल का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया, वो हमने अब इसी के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दही को हमने 2 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ब्राउन अनियन ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फ्लेम हम स्लो कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी एकदम से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम कोफ्तों को ड्रॉप कर देंगे, सारे कोफ्ते हमने ग्रेवी के अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हल्के से इस तरीके से हिलाएंगे, इसमें से ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, और अब हमने स्लो कर देना है फ्लेम को, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हम इसको हिलाएंगे नहीं, क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल कच्चे हैं, टूट जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब देखें आप इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से हल्के हल्के से हिला देंगे। कोफ्तों को पकते हुए और तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब कोफ्तों के अंदर से पानी हमारा ख़त्म होने लगा है। इस बीच मैंने 2 दफ़ा इस तरीके से इसको हिला दिया था। अब हमें इसे खोलकर पकाना है, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसे खोलकर पका लेंगे। और अब इसके अंदर किसी भी तरीके से चम्मच चला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं, तो इसमें हम चम्मच चला सकते हैं। इसे 2-3 मिनट खोलकर इसी तरीके से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। मसाला हमारा और अच्छी तरीके से भुन जाना चाहिए, साथ साथ हमारे कोफ्ते भी भुन जाएंगे इसी तरीके से। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसका जो हमारा शेप होता है कोफ्तों का, अब ये ठहर गया है। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, तो इसको हमने अच्छी तरीके से भून करके तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो इस वक्त में डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही पका रही हूँ। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब इसको हम कवर करेंगे, कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। अभी एक उबाल आ जाने देंगे हाई फ्लेम पर, और उसके बाद में गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे, एक उबाल आने के बाद में गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे। सालन को पकते हुए तकरीबन 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। सालन हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। अब आप देख सकते हैं कि सालन की जो कंसिस्टेंसी एकदम से परफेक्ट हो चुकी है, और बहुत ही प्यारी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो अब हमने करना क्या है कि इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और उसको कर लेंगे डिश आउट। तो सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप, इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, जैसा कि आपको चाहिए होती है बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी बनी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इसे आप पराठों के साथ में, रोटी के साथ में, या बॉयल राइस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना आपने देखा कि हमने इसको कितने आसान तरीके से बना लिया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे बनाइए अपने घर में और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाज़िर होती हैं एक नई रेसिपी में, तब तक रखें अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।